हाय दोस्तों, बी लेक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चैम्पोर्ट, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिंग। तो बताइए दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय में इसे लागू किया गया था? तो वो उस समय कौन था दोस्तों? लॉर्ड चैम्फोर्ड था। आगे चलते हैं। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? जुबिलैंट बुद्ध, एच एन बहुगुड़ा, बाबा आमटे, मोतीलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो उस समय दोस्तों विख्यात थे बाबा आमटे, इनके द्वारा ही आनंद वन की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो बताइए दोस्तों, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो ये है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा है जो नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है सूचना का अधिकार, ये जो है मूल अधिकार नहीं है, जबकि शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सारे जो है मूल अधिकार हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, ये जो है मूल अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं। डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है? आयोडीन, एनलोरॉक्सीनिलॉलेनॉल, बायोथियोनॉल, क्रेसॉल। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा है? तो इसमें हमारा सही होगा दोस्तों एनलोरॉक्सीनिलॉल, ये जो है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। आगे चलते हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेडुला में, थैलेमस में। तो बताइए दोस्तों, बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों प्रमस्तिष्क में है। कहाँ पर है दोस्तों? प्रमस्तिष्क में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था भारत के संविधान द्वारा गठित नहीं की गई है? तो इसमें ऐसी कौन सी संस्था है दोस्तों जो भारत के संविधान द्वारा गठित नहीं की गई है? संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, संघ की न्यायपालिका। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा है ऐसा संस्था जो भारत के संविधान द्वारा गठित नहीं है? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है भारत के संविधान द्वारा गठित नहीं है। आगे चलते हैं।
बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु, राजगृह। तो बताइए दोस्तों, बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था दोस्तों? तो ये दिया था सारनाथ में, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और कपिल वस्तु क्या है दोस्तों? तो ये उनके पिता का शासन क्षेत्र था। आगे चलते हैं। स्मॉग एक मिश्रण है वायु और जलवाष्प का, जल और धूम्र का, अग्नि और जल का, धूम्र और कोहरे का। तो बताइए दोस्तों, स्मॉग किसका एक मिश्रण है? तो दोस्तों, स्मॉग जो है ये धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। किसका है दोस्तों? धूम्र और कोहरे का। आगे चलते हैं। मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित की जाती है? मजदूरी में वृद्धि करके, कराधान में ह्रास, लोक व्यय में कमी करके, रुपए को और महंगा करके। तो बताइए दोस्तों, कैसे नियंत्रित की जाती है मुद्रास्फीति? तो ये नियंत्रित की जाती है दोस्तों लोक व्यय में कमी करके, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था? बताइए दोस्तों, किसको कहा गया था रिक्रूटिंग सार्जेंट यानी भर्ती करने वाला सार्जेंट? दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है दोस्तों, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों, किसे कहा गया था रिक्रूटिंग सार्जेंट? तो ये कहा गया था दोस्तों महात्मा गांधी को कहा गया था। किसे कहा गया था? महात्मा गांधी को। आगे चलते हैं। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन, उद्यान कृषि, मधुमक्खी पालन, अंगूर उत्पादन। तो बताइए दोस्तों, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? उद्यान कृषि से है। आगे चलते हैं। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो बताइए दोस्तों, आकाश का रंग किस कारण हमें नीला दिखाई देता है? तो ये हमें जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किस कारण दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। आगे चलते हैं। यप टीपी शब्द किसके लिए है? फाइल ट्रांजिट प्रोविजन, फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोविजन, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बताइए दोस्तों, यप टीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों, यप टीपी का फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सी है? ईमू, शुतुरमुर्ग, एल्बेटॉस, साइबेरियाई सारस। तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी कौन सी है?
ये तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे विशालतम पक्षी कौन सा है, तो ये है शुतुरमुर्ग है। कौन सा है दोस्तों? शुतुरमुर्ग। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। जबती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? बताइए दोस्तों, जबती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? अकबर, जहांगीर, टोडरमल, हेमू। कौन था दोस्तों जबती प्रणाली का जन्मदाता? बताइए दोस्तों, कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों, टोडरमल है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, गुप्तों के, नंदों के, चोलों के। तो बताइए दोस्तों, किसके सिक्के थे जो उनके प्रेम को दर्शाते थे? तो किसके थे दोस्तों? गुप्तों के। दोस्तों गुप्त वंश में आप जानते होंगे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को दोस्तों आप जानते हैं कि 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? गुप्तों को। आगे चलते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था लंदन में, शिकागो में, एडिलेड में, रियो डी जेनेरा में। तो बताइए दोस्तों, कहाँ पे हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन? दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है किस सन में हुआ था? तो यहाँ पे कौन सा हो सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरो जेनेरा में। आगे चलते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किया था? तो बताइए दोस्तों, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद, गुरु नानक। तो किसने किया था दोस्तों अकाल तख्त का निर्माण? तो ये किया था दोस्तों गुरु हरगोविंद ने। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया था। आगे चलते हैं। और दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो बताइए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार ये कौन सा अधिकार है? दोस्तों ये पहले जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये किस अधिकार में हो गया है? तो अब ये जो है एक विधिक अधिकार हो गया है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।